आई एम विवेक यादव, योर एडुकेटर ऑफ हरियाणा जीके। टुडे वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एनर्जेटिक कोर्स। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। आपके पास बहुत कुछ ज्यादा महान नहीं है स्टार्ट करने के लिए, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। लेकिन एक बहुत महानता के साथ आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। आपको मदद देगा, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा आपका SCS प्रीलिम्स के लिए। तो स्टार्टिंग करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का जो बेसिक्स होता है वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि अगर आपको हरियाणा के बारे में जानना है तो सबसे पहले हरियाणा की ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको जाननी पड़ेगी। और उस ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझने के लिए हरियाणा के मैप को समझना जरूरी है। और मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप मेरी क्लास को अटेंड करना। आज जो फर्स्ट क्लास होगी वो बेसिक क्लास होगी। आपको शायद लग सकता है कि सर ने तो बिल्कुल ही बेसिक कराया, लेकिन ध्यान रखना कि यही बेसिक क्लास आगे चलकर आपके लिए एडवांस क्लास बनेगी। इसको आपको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को, देखते हैं। तो आज जो फर्स्ट क्लास है उसके अंदर मैं आप लोग को थोड़ा सा हरियाणा का जो मैप है, हरियाणा की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उनके बारे में मैं बात करूंगा। हरियाणा को के मैप को समझने के लिए आपको हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट को जानना होगा, हरियाणा के जो नेबरिंग कंट्री स्टेट्स है उनको समझना होगा, और हरियाणा की बाउंड्री के कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से स्टेट के साथ लग रही है उसको आप लोगों को समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखना एक बार आपको मैप को। तो भाई ये है अपना प्यारा हरियाणा। तो इस मैप को जब आप लोग देखते हो तो आपको कंप्लीटली हरियाणा समझ में आता है। तो ये जो मैप है देखना एक बार, आपको दिखाई देगा हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, और आपको इस साइड दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश यूपी। मतलब ये कंप्लीटली आपको दिखाई देगा कि हरियाणा जो है एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट का मतलब ये होता है कि उसकी बाउंड्री किसी सी के साथ कनेक्ट नहीं होती है, टच नहीं होती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको इसके बेसिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें हरियाणा की और इसके मैप की बात करें, तो हरियाणा जो है बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट में आपको दिखाई देगा कि टच होता है किसके साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ। उसके बाद दो यूनियन टेरिटरी जो है वो टच करती है, बाउंडेड होती है। फर्स्ट वन इज चंडीगढ़ एंड सेकेंड वन इज दिल्ली। और अदर स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश, इस साइड आपका साउदर्न पार्ट के अंदर राजस्थान एंड दिस साइड ऑफ पंजाब। तो ये कंप्लीटली बाउंड्री आपकी टच होती है। एक स्टेट और आएगा इसके अंदर, मैं आप लोग को बता दूंगा, जो कि रिवर बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, हरियाणा के साथ, दैट इज उत्तराखंड। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। देखना बच्चों, तो ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट ऑफ हरियाणा। आज की क्लास के अंदर हमें यही बेसिकली डिस्कस करना है कि हरियाणा का ज्योग्राफिकल फीचर और हरियाणा की लोकेशन कैसी है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग देखते हो लोकेशन ऑफ हरियाणा में, हरियाणा इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। हरियाणा जो है वो इंडिया के किस पार्ट के अंदर लोकेटेड है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देखो अगर स्टूडेंट्स में बात करूं लास्ट टाइम प्रीलिम्स की, तो लास्ट टाइम में क्या हुआ था कि बड़े ही है ना ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आए थे जिसमें आपको लगेगा कि ये HCS के लेवल का है ही नहीं। तो हमें उन फैक्चुअल क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है और हमें उन क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है जो कॉन्सेप्चुअल आते हैं। तो आज की क्लास के अंदर वही बेसिक चीजें होगी, फिर एडवांस लेवल तक हम उस चीज को लेकर जाएंगे। तो नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया हरियाणा लोकेटेड है। तो कई बार क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि हरियाणा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, सदर्न पार्ट, इस तरीके से क्वेश्चन जनरली आपके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो ध्यान रखना कि हरियाणा इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो उसके आगे अगर हम लोग बात करें, अब देखो क्या है, आप किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी भी प्लेस या किसी भी लोकेशन के बारे में उसकी एग्जैक्ट कंडीशन आप लोग को पता करनी हो तो उसके लिए हमें दो लाइंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है ग्लोब पे। ग्लोब आपको पता है रियल इमेज होता है अर्थ का। तो ग्लोब पर एक होती है आपकी लेटिट्यूड
अक्षांश रेखाएं एंड सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं। तो इन्हीं दो चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे किसी भी जगह की। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो आप देखते हो कि आप गूगल मैप का यूज करते हो, उस गूगल मैप में आपका लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताता है, तो वो आपकी एग्जैक्ट कंडीशन सिचुएशन बता देगा कि आपको किस प्लेस पर जाना है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन दो चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, दो टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, दैट फर्स्ट वन इज लेटिट्यूड एंड सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूड। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं समझते हैं कि लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। अब देखो क्या है, जब आप हरियाणा का बेसिक समझते हो तो उसके लिए आपको ज्योग्राफी का बेसिक आना चाहिए। ज्योग्राफी का बेसिक, ज्योग्राफी में सर जो है आपको ज्योग्राफी कराएंगे, लेकिन मैं आप लोग को ये जो ज्योग्राफी के वहां पर जो इंडियन ज्योग्राफी का जो पॉइंट्स है वो यहां पर कुछ ना कुछ क्लियर करूंगा। तो देखते हैं एक बार कि लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखना, हरियाणा इज सिचुएटेड बिटवीन 27°39' टू 30°35' नॉर्दर्न लेटिट्यूड। 27 डिग्री और 30 डिग्री, आप बाद में जो ये मिनट है इसको एग्जैक्ट भी ना याद रख पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 27 टू 30 अगर याद रख लोगे तो उससे काम बन जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के बारे में, इसके बारे में मैं बात करूं तो लास्ट टाइम का प्रीलिम्स आप लोग देखना, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं लोकेशन के बारे में, तो आपको लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चन हम लोग तो इसमें तो आसानी से कर देंगे, ऐसा सच कोई रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है नहीं। लेकिन जब भी आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसके अंदर आपको ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट लगाने पड़े। तो 27° 39' टू 30° 35' दैट इज नॉर्दर्न लेटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश। हिंदी में बता देता हूं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आर ऑफ हिंदी मीडियम तो हम लोग हिंदी में भी बात कर लेंगे। तो 27°39' से 30°35' ये हुआ नॉर्दर्न लेटिट्यूड। और अगर हम लोग बात करें लॉन्गिट्यूड की तो वो हुआ 74°28' टू 77°36'। तो एक बार मैं आप लोग को ये लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इनके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को समझा देता हूं। देखो होता क्या है, सुनना, इसी में देख लेते एक बार मैप में। ये हुआ ग्लोब, ग्लोब क्या है, रियल इमेज ऑफ अर्थ है। इस ग्लोब पर ये 0° कौन सी लाइन हुई, ये 0° आपकी हुई इक्वेटर, 23.5° ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, देखना ग्लोब पर 0° इक्वेटर, 23.5° ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5° आर्कटिक सर्कल एंड 90° नॉर्थ पोल। और जब हम लोग साउथ की तरफ जाते हैं तो 23.5, 66.5 एंड 90° आपका साउथ पोल। तो ये कंप्लीटली आपको लेटिट्यूड लाइंस दिखाई देगी, जिसमें ये जो 0° है जिसको आप लोग मेडिटेरियन लाइन या भूमध्य रेखा या इक्वेटोरियल लाइन बोलते हो, ये अर्थ को दो बराबर भागों के अंदर डिवाइड करती कट करती है। तो इसको अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे। उसके बाद अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये आपका हुआ साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो क्या है, अगर आप इसी पॉइंट को नोट आउट करते हो तो 27° 39' टू 30° 35' नॉर्थ लेटिट्यूड। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्दर्न लेटिट्यूड जो है वो आपका 27 पर है, तो आप 23 पर देखते हो तो 27 आपका लगभग यहां पर पड़ेगा, यहां पर लाई करेगा। उसके बाद आप अगर 30° 35' देखते हो तो वो भी लगभग आपका यहां पर आएगा। तो इसका मतलब है कि हमें ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि हरियाणा की लोकेशन अगर लेटिट्यूड के बेसिस पर देखी जाए तो 27° 30°। तो 27 और 30° किस पार्ट में, नॉर्थ लेटिट्यूड के अंदर, मींस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में।
एंड इफ यू टॉक अबाउट लोंगिट्यूड, अगर हम लोग बात करें देशांतर रेखाओं के बारे में, तो इनके बारे में समझना है, तो ये आपकी कौन सी लाइन हुई, लेटिट्यूड हुई। और हरियाणा जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है, नॉर्थ लेटिट्यूड में पड़ता है, और कितने डिग्री पर, 27 डिग्री 39 मिनट टू 30 डिग्री 35 मिनट नॉर्दर्न लेटिट्यूड। अब आपको लोंगिट्यूड के बारे में समझना है, तो देखते एक बार दूसरा मैप, एक दूसरा ग्राफ हम लोग देखते हैं। ये देखो, ये जो लाइन्स है आपकी, आपको पता है, देखो मैं आप लोगों को ज्योग्राफी नहीं करा रहा हूं यहां पर, लेकिन बेसिक्स आप लोगों को जरूर बता दूंगा। यही जो बेसिक्स है, यही बेसिक्स आपके हेल्प करेंगे आगे चलकर। अब हम लोग बात करें तो ये आपको पता है 0 डिग्री, उसके बाद ये जो पार्ट हुआ उसका ईस्टर्न पार्ट हुआ, ये जो आपका पार्ट हुआ वो कौन सा पार्ट हुआ, दैट इज वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट। और अगर हम लोग हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा आपको दिखाई देगा किस रीजन में लाई कर रहा है, ईस्ट लोंगिट्यूड के अंदर। तो उसका मतलब हुआ हरियाणा की जो लोकेशन है ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, एंड दैट इज ऑल्सो 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट। तो अगर हम लोग बात करें 74 डिग्री 28 मिनट टू 77 डिग्री 36 मिनट, तो आपको लगभग यहां पर आपको दिखाई देगा। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन लोंगिट्यूड के अंदर हुआ। तो क्वेश्चन सिंपल सा आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा कि लेटिट्यूड ऑफ हरियाणा एंड लोंगिट्यूड ऑफ हरियाणा, हरियाणा की अक्षांश रेखाएं, हरियाणा की देशांतर रेखाएं, इनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये पॉइंट देखा है। तो ये एग्जैक्ट पॉइंट आप लोग ध्यान रख लेना, नोट आउट कर लेना। तो इसको समझने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार मैं आप लोग को हरियाणा के मैप से ही भी इसको समझाऊं तो थोड़ा सा आप लोग को देखना है। देखो भाई, ये है अपना प्यारा हरियाणा, हरियाणा का मैप। अब आप लोग देखते हो तो इसका जो सदर्न पॉइंट है, ये वाला जो रीजन है, उसके बाद ये वाला जो रीजन है, और ये पंचकुला का ये वाला रीजन, और यहां पर यमुनानगर का ये वाला रीजन। तो ये लाइन्स आप लोग को दिखाई देगी, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, एंड लास्ट वन इज आपका साउदर्न पार्ट। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो आपका मेवात का यहां पर जो हुआ, ये 27 डिग्री, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, देखना ये आपका हुआ 27 डिग्री 39 मिनट। ये जो मेवात है, मेवात का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, सबसे निचला जो पॉइंट है, वो 27 डिग्री 39 मिनट पे पड़ेगा। जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेवात का या हरियाणा का जो है, वो 27 डिग्री 39 मिनट पड़ेगा। उसका भी नाम बताऊंगा मैं कि कौन सा गांव है जो सबसे सदर्न पार्ट में है। अगर हम लोग बात करें नॉर्दर्न पार्ट की, तो यहां पर आपको 30 डिग्री टू 35 डिग्री ये दिखाई देगा नॉर्थ लेटिट्यूड। तो ये लाइंस तो आपकी क्या हो गई, लेटिट्यूड हो गई। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं लोंगिट्यूड की, तो ये सिरसा जो है, सिरसा जानते हो आप लोग, ठीक है, ये आपका पड़ेगा 74 डिग्री 28 मिनट। और बच गया कौन सा आपका, यमुनानगर। ये जो यमुनानगर है वो आपका आएगा 77 डिग्री 36 मिनट। तो आपको ये पॉइंट भी नोट आउट करना है, ध्यान रखना है कि मेवात जो है वो 27 डिग्री 39 मिनट पर है, उसके बाद आपका पंचकुला जो है वो 30 डिग्री 35 मिनट पर है, एंड सिरसा जो है 74 डिग्री 28 मिनट पर है, और यमुनानगर का ये वाला पॉइंट 77 डिग्री 36 मिनट है। तो ये बात क्लियर हुई। तो क्वेश्चन एग्जामिनर यहीं से उठा देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा लाइज इन 27 डिग्री 39 मिनट, तो आपका जवाब क्या होगा। और उसमें ऑप्शन अलग अलग देगा, ऑप्शन ऐसे होगा कि मेवात, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम। तो आपको ध्यान रखना है क्या है, मेवात है। चलो ये तो हुई बच्चों वाली बात, मतलब बेसिक बातें हुई। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो, भारतीय भूगोल पढ़ते हो, तो वहां पर आप लोग देखते हो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया,
उसके बाद इंदिरा पॉइंट जिसको आप बोलते हो, उसके बाद आप पढ़ते हो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका वलांगो की बिदू ये अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया दैट इज गुहार मोटा या गोरमाता। जब आप इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको जानना होगा कि हरियाणा में भी क्या ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल है। तो कौन कौन से वो गांव है जो सबसे हरियाणा के सबसे ईस्टर्न है, हरियाणा के सबसे वेस्टर्न है, हरियाणा के सबसे नॉर्दर्न है और हरियाणा के सबसे सदर्न मोस्ट है, तो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। अब देखो क्या है, सबसे बात कर पहले बात कर लेते हैं सिरसा 74 डिग्री 28 मिनट। देखो जो समझना है ना आप लोग को मैप से समझना है और उसी मैप की हेल्प लेनी है, जितना हो सके मैप का यूज करो, जितना हो सके इन डिस्ट्रिक्ट को ध्यान रखो, क्योंकि लगभग मान लो कि अगर आपके स्टैटिक जीके के हरियाणा स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन में से एक से दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसी मैप से आएंगे, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग 74 डिग्री 28 मिनट ये हुआ सिरसा, कौन सा हुआ ये हुआ सिरसा। उसके बाद 77 डिग्री 36 मिनट ठीक है 77 डिग्री 36 मिनट ये हुआ यमुनानगर। उसके बाद 30 डिग्री 35 मिनट पंचकुला और 27 डिग्री 39 मिनट आपका मेवात। तो एक बार हम लोग देखते हैं सिरसा जो है, मैं यहां पर लिखता हूं सिरसा का एक विलेज है चौटाला विलेज, पता है आप लोगों को किसके लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद यमुनानगर मैं एक जगह लिखता हूं कौन सी, कालेसर। मेवात में एक जगह लिखता हूं कौन सी, दोहा। और पंचकुला में यहां पर एक जगह लिखता हूं सादपुर। ये है, अब आपको ये जगह ध्यान रखनी है, ये क्या है, तो ये जो चौटाला विलेज है ये आपको दिखाई देगा सिरसा का जो है वो कौन सा विलेज है, मतलब पूरे हरियाणा का ये वेस्टर्न है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पंचकुला के अंदर ये जो साधपुर है ये आपको दिखाई देगा पूरे हरियाणा का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। यमुनानगर का जो कालेसर है ये आपको दिखाई देगा कौन सा पॉइंट है, ये आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो मेवात का कौन सा, दोहा। सिंपल बेसिक सी चीज है, चार चीजें ध्यान रखनी है, चौटाला, उसके बाद दोहा, उसके बाद सादपुर, उसके बाद आपका कौन सा कॉलेज, बात कंप्लीट मतलब बात खत्म। तो इन चीज चारों चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको नॉर्दर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट ये आपको ध्यान रखने हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, तो ये वाला पॉइंट आप लोग नोट आउट करते हुए चलना, फिर आगे आप लोग देखना इसी मैप को। अगर हम लोग आगे देखते हैं, अगर हम लोग बात करें हरियाणा के सेप की, तो कई बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा की जो सेप है अगर आप लोग मैप देखते हो तो हरियाणा के सेप किस टाइप की है, तो ध्यान रखना हरियाणा की जो सेप है वो अनइवन क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल आप लोग को पता होगा लेकिन ये अनइवन है, हिंदी में इसकी हिंदी जनरली ऐसी होती है कि वो बच्चों को याद नहीं होती है, तो जैसे विषम बाहु चतुर्भुज इस तरीके की इसकी हिंदी निकल कर आती है। तो ध्यान रखना इसकी जो शेप है वो अनइवन क्वाड्रिलेटरल है। और अब हम लोग बात करें कि ज्योग्राफिकल एरिया हरियाणा का कितना है, तो आपको पता है कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, इफ यू टॉक अबाउट ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया दैट इज 32,263,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये अपने इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर।
और अगर हम लोग बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा का ज्योग्राफिकल एरिया है 44 to 12 square kilometers. ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है. फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों चीजें मैं आप लोगों को कराऊंगा. तो ये 44 to 12 square kilometers दैट इज कंप्लीटली एरिया ऑफ हरियाणा स्टेट. तो 44212 square kilometers ये जो है कंप्लीट एरिया है, इसके अंदर सारी बाउंड्री ऐड हो जाती है क्योंकि वोटर बाउंड्री तो यहाँ पर है नहीं. और 1.34% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया. आपको पता है इंडिया का जो एरिया है वो 32,87,263 square kilometers है और ये इसका कितना है 1.34. देखो यार, क्या कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन है ना इस टाइप के आ जाते हैं और हम क्या करते हैं कि हम सारी चीजें पढ़ जाते हैं, शिवालिक रेंज, मिड हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली. लेकिन मेन क्या है, ये बेसिक बेसिक जो पॉइंट है वो हम लोग के छूट जाते हैं. तो मैंने अब तक आप लोगों को 3-4 चीजें बताई है, तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, कीपिंग दैट थिंग्स इन माइंड, तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो लेटिट्यूड क्या है हरियाणा का, लोंगिट्यूड कितना है हरियाणा का, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि नॉर्दर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट उसके साथ है, कौन कौन से गांव उसके साथ लगे हुए, तो इन सारी चीजों को आपको माइंड में रखना है. और 44212 square kilometers दैट इज टोटल एरिया, 1.3% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया. तो ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गई है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं आगे की तरफ. अब शेप पता चल गई, एरिया पता चल गया, अब आप लोग को ये समझना है कि हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किस किस स्टेट के साथ लगते हैं, किसके साथ किसकी बाउंड्री टच होती है. तो देखो, मैंने आप लोग को बताया कि हरियाणा जो है वो एक लैंड लॉक स्टेट है और ना वो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ टच करता है. कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ टच होती है, लेकिन हरियाणा की बाउंड्री किसी इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ टच नहीं है. हरियाणा की बाउंड्री ना तो बे ऑफ बंगाल के साथ लग रही है, ना अरेबियन सी के साथ लग रही है, ना इंडियन ओशियन के साथ. ये भी आपको ध्यान में रखना है. इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ये समझना है कि हरियाणा के साथ कौन कौन से स्टेट जो है अपनी बाउंड्री को टच करते हैं. तो चलते हैं समझते हैं. इसके लिए फिर दोबारा से आपको मैप की हेल्प लेनी पड़ेगी. देखो भाई, देखना भाई, अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे नॉर्दर्न पॉइंट के अंदर आपको कौन सा स्टेट दिखाई देगा, यहां पर हिमाचल प्रदेश. तो मैं लिखते हुए चलता हूं, फर्स्ट स्टेट जो आपका हो गया दैट इज हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश, उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकंड स्टेट, तो सेकंड स्टेट आपका कौन सा हो गया, पंजाब. पंजाब के बाद अगर हम लोग बात करें फिर थर्ड स्टेट आपका कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश. मैं यूपी लिख देता हूं. उसके बाद फोर्थ स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ स्टेट आपका कौन सा हो गया, राजस्थान. राजस्थान. अब आप कहोगे सर 5 state की बाउंड्री लगती है, अब 1 state बच गया, जो 5th state है, वो जो 5th state है वो आपका कौन सा है, उत्तराखंड. ये आपका उत्तराखंड हुआ. तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी, राजस्थान एंड उत्तराखंड, ये 5 state है जो बाउंड्री टच करते हैं हरियाणा की. 2 union territory है, स्टेट तो हुए 5 और यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो ध्यान रखना आपको यूटी की अगर हम लोग बात करें तो 1 UT हो गई आपकी चंडीगढ़ और दूसरी यूटी आपकी कौन सी हो गई, दिल्ली. बात कंप्लीट. तो ध्यान रखना चंडीगढ़ और दिल्ली 2 union territory, 5 state. अब मैं आप लोग को बता देता हूं, लास्ट टाइम के प्रीलिम्स एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कितने स्टेट के साथ बाउंड्री टच होती है, और आप लोग देखना यार लास्ट टाइम के प्रीलिम्स पेपर को, तो आपको दिखाई देगा कि बड़े ही है ना ऐसे क्वेश्चन आए बेसिक बेसिक से. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आगे आने वाले इस टाइम के प्रीलिम्स के अंदर आपसे वैसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाए. ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ, कंटिन्यू करते हैं.
देखना, ये अपना हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो मैप से बनता है वो ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो हरियाणा के किस किस स्टेट के साथ, सॉरी किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री को टच करता है, चंडीगढ़ जो है वो किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री को टच करता है, यूपी जो है वो किस किस के साथ टच करता है। अब आप इस मैप को ही ध्यान में रखना, बाकी मैंने पीपीटी स्लाइड्स पे वो लिखवा दिया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं और उसी को देखते हुए हम लोग देखते हैं। चलो तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री आपको दिखाई देगा पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, तीन डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की जो हिमाचल प्रदेश के साथ टच होती है। कौन कौन सी? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, पहले उत्तराखंड के बारे में समझ लेते हैं, उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड यार ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ किसके साथ टच होती है, यमुनानगर के साथ। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्तराखंड की बाउंड्री किस स्टेट, किस डिस्ट्रिक्ट के साथ टच होती है, तो आपको जवाब देना है क्या, यमुनानगर। सिर्फ अकेले क्या है, यमुनानगर। आपको पता है कि यमुनानगर, यमुना रिवर जो है यहां से फ्लो करती है और उसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, यमुनानगर। पंचकुला, पांच कूप, पांच कुएं। अंबाला आपको पता है, अंबा, अंबिका, अंबालिका, महाभारत के साथ स्टोरी जुड़ी हुई है। कई लोग इसको बोल देते हैं कि यहां पर मैंगोस, आम सबसे ज्यादा होते हैं इसलिए इसको अंबाला बोलते हैं। कुरुक्षेत्र, थानेसर भी आपको पता है, करनाल, राजा कर्ण के नाम पर, कैथल, कपि की नगरी। तो ऐसे ही हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, अभी मैं उतना वो आप लोग को नहीं बता रहा हूं। जीन, जयंती देवी नगर, पानीपत जो कि पणप्रस्थ था। अब देखो भाई आगे समझना है, उत्तराखंड आपका हो गया यमुनानगर के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है पंजाब। जब आप पंजाब देखते हो तो पंजाब में बाउंड्री देखो, फर्स्ट आपका पंचकुला हो गया, सेकंड आपका अंबाला हो गया, थर्ड आपका कुरुक्षेत्र हो गया, फोर्थ आपका कैथल हो गया, फिफ्थ आपका जींद हो गया, फिर आपका जींद नहीं बोलना है इसको, जींद, ठीक है। तो उसके बाद सिक्स आपका फतेहाबाद, सेवन इज सिरसा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, उसके बाद फतेहाबाद एंड सिरसा। ये सारा का सारा मैंने लिखवा रखा आप लोगों के लिए, सब आप लोग को पीपीटी मिल जाएगी, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग आगे बढ़ते हो तो उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, यूपी की, तो यूपी आपको दिखाई देगा यमुनानगर, देन करनाल, पानीपत, सोनीपत। अब यहां पर आ गया अपना प्यारा दिल्ली। तो ये जो दिल्ली है, दिल्ली में आपको दिखाई देगा कि यहां पर ये हरियाणा के अंदर इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है। वैसे तो हरियाणा वाले चाहेंगे कि भाई दिल्ली को मिला ले, ठीक है। तो उसके बाद आपका फरीदाबाद एंड लास्ट वन इज आपका पलवल। तो ये भी आपको दिखाई देगा यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को लगती है, ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो देखो मैंने यहां पर स्लाइड पे लिखा भी है, हरियाणा इज बाउंडेड बाय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इन द ईस्ट, पंजाब एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ इन द नॉर्थ वेस्ट, हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट एंड राजस्थान इन द नॉर्थ ईस्ट एंड राजस्थान इन द साउथ वेस्ट। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान जो है वो साउथ वेस्ट पार्ट में, हिमाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर, चंडीगढ़ जो है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर यूनियन टेरिटरी जो है, उसके बाद उत्तर प्रदेश तो आपको पता है कि ईस्टर्न पार्ट के अंदर, उत्तराखंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इन द ईस्टर्न पार्ट, ये जो है यूपी, उत्तराखंड और यूनियन टेरिटरी, ये दोनों कहां पर है, ये तीनों कहां पर है, ईस्टर्न पार्ट के अंदर है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं, देखना। अब मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के साथ बाउंड करती है, तो थ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, फर्स्ट वन इज पंचकुला, सेकेंड वन इज यमुनानगर एंड थर्ड वन इज अंबाला, आर बाउंडेड बाई हिमाचल प्रदेश। ये तीन डिस्ट्रिक्ट टच करती है हिमाचल प्रदेश के साथ नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर।
आगे बढ़ते हैं, पंजाब के साथ किस किस की बाउंड्री लगती है? पंजाब के साथ आपकी पंचकुला की, अंबाला की बाउंड्री, कुरुक्षेत्र की बाउंड्री, कैथल की, जींद की बाउंड्री, फतेहाबाद की और सिरसा। ये कितने स्टेट हो गए आपको, कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए ये भी आपको ध्यान रखना है। 60 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ये जो 60 डिस्ट्रिक्ट है इनकी बाउंड्री किसके साथ टच कर रही है? इनकी बाउंड्री आपकी पंजाब के साथ, और किस पार्ट के अंदर? नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर। चलते हैं आगे की तरफ और समझते हैं। देखो अब राजस्थान के साथ किस किस की बाउंड्री है, तो यहां पर आप लोग मैप में भी देख सकते हो। पहले तो एक बार आप ये देखो, सिरसा आपका हो गया, फतेहाबाद हो गया, हिसार आपका हो गया, भिवानी आपका हो गया, महेंद्रगढ़ आपका हो गया, रेवाड़ी आपका हो गया, मेवात हो गया। तो देखते हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी एंड मेवात। तो एक बार मैप में आप लोगों को इसको देखना है। सिरसा आपका हो गया, फतेहाबाद आपका हो गया, हिसार हो गया, ये कंप्लीटली बाउंड्री टच कर रहे हैं किसके साथ? राजस्थान के साथ। उसके बाद आपका भिवानी हो गया। ध्यान रखना, भिवानी से अलग होकर चरखी दादरी बना है, लेकिन अगर आप लोग यहां पर बाउंड्री देखते हो तो कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर चरखी दादरी की बाउंड्री भी तो लग रही है राजस्थान के साथ। नहीं भाई, चरखी दादरी की बाउंड्री टच नहीं हो रही है। और हरियाणा के दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसकी बाउंड्री किसी स्टेट के साथ टच नहीं होती। फर्स्ट वन इज रोहतक एंड सेकंड वन इज आपका चरखी दादरी। तो चरखी दादरी 2016 से पहले, 2016 से पहले उसमें एक ही स्टेट आता था, वो कौन सा था? आपका रोहतक था। लेकिन जब से चरखी दादरी बना है, रोहतक और चरखी दादरी की बाउंड्री ध्यान रखना किसी भी स्टेट के साथ टच बाउंड नहीं करती है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपका पांचवें नंबर पर महेंद्रगढ़, फिर छठे नंबर पर आपका रेवाड़ी और सातवें नंबर पर आपका क्या हो गया? मेवात हो गया। ध्यान रखना गुरुग्राम नहीं है, हट जाता है। ये पूरा का पूरा रीजन आपका कौन सा है? राजस्थान। कौन सा रीजन है? राजस्थान। जब हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ हरियाणा पढ़ेंगे, हरियाणा के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, तो उनके बारे में ये पॉइंट भी समझेंगे कि यहां पर जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने इस पूरे एरिया के अंदर प्लांटेशन कर रखा है, बहुत सारी ग्रीनरी आपको दिखाई देगी। उसका रीजन क्या रहा है? उसका रीजन यही है कि इस रीजन से, राजस्थान के इस रीजन से, आपको पता है राजस्थान एक सूखा राज्य है, वहां पर एवरेज रेनफॉल 40 सेंटीमीटर से कम है, और जब एवरेज रेनफॉल कम है तो यहां से जो हवाएं चलती है, विंड जो फ्लो करती है, ब्लो करती है, तो जब ये हवा आगे बढ़ती है तो इस पूरे रीजन की जो कृषि होती है, जो एग्रीकल्चर होती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। खैर वो सारी चीजें हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में भी आप लोग देखोगे और हरियाणा की ज्योग्राफी में भी आप लोग को चीजें समझनी है। देखो एक चीज आपको जो हमेशा ध्यान रखनी है वो ये याद रखना है कि आपको है ना ज्यादा से ज्यादा चीजों को अप्लाई करना है। कि आप फॉर एग्जाम्पल आप हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हरियाणा की हिस्ट्री के अंदर फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपने पढ़ा, तो उसको कनेक्ट कर देना किसके साथ? इंडियन ज्योग्राफी के साथ। जितना ज्यादा कनेक्शन होगा उतने ही अच्छे मार्क्स आप लोग के आएंगे और उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने के। और मैं तो यही चाहूंगा कि भाई आप अच्छी से अच्छी पोस्ट पर लगो और किसी दिन मुलाकात करने के लिए आप लोग आओ। तो वो चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है कि आप लोग को है ना ये नहीं करना कि यार आप हरियाणा जीके पढ़ रहे हो, उसमें आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो हरियाणा की, तो उसको अलग से पढ़ रहे हो। उसको भी आपको कनेक्ट करना है, अप्लाई करना है किसके साथ? इंडियन इकोनॉमी के साथ। आप बजट पढ़ते हो तो बजट के अंदर हरियाणा का रेवेन्यू डेफिसिट, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है, वो आप इंडियन इकोनॉमी से जानोगे। जब वो चीजें आप लोग समझ लोगे तो हरियाणा की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो वो सारी चीजें वहां पर हेल्प करेगी और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीजें आप लोगों को कनेक्ट करनी है। ठीक है, अब टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को, मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं उसी टाइप की तैयारी आप लोगों की कराऊंगा कि आप जब मेरे से हरियाणा कंप्लीटली पढ़ोगे तो आपको इतना भरोसा हो जाएगा कि नहीं भाई हरियाणा हमने खुद से तो पढ़ा है लेकिन अप्लाई वाला पोर्शन, अप्लाइड वाला जो पोर्शन सर ने कराया है उसका कोई जवाब नहीं है। और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखना अपना। चलो तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आपका फिर ये 7 स्टेट, 7 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को यहां पर दिखाई देंगे। ठीक है भाई, चलो तो आगे बढ़ते हैं अब अगली स्लाइड पर।
फोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा की जो चार डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन सी भाई? फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर एंड सोनीपत। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर एंड सोनीपत आर बाउंडेड बाय दिल्ली इन साउथ वेस्ट। ये चार डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसके साथ बाउंड होती है? दिल्ली के साथ। अब देखो यहां से एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है, अगर आपको मैप पता है तो आप बता दोगे। मैप देखो एक बार, अगर आप लोग दिल्ली की बात करते हो, दिल्ली में आपको दिखाई देगा कि यहां पर हुआ आपका सोनीपत, मतलब दिल्ली के नॉर्दर्न पार्ट में। यहां पर आपको दिखाई देगा फरीदाबाद, इस साइड आपको दिखाई देगा गुरुग्राम, फरीदाबाद और गुरुग्राम, ठीक है, और इस साइड आपको क्या दिखाई देगा? झज्जर। तो अब देखना फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर एंड सोनीपत। लेकिन अगर जब आप मैप की तरफ जाते हो तो मैप में आपको दिखाई देगा कि भाई नॉर्थ पार्ट में भी, वेस्टर्न पार्ट में भी, सदर्न पार्ट में भी बाउंड्री लग रही है किसकी? दिल्ली की। लेकिन किस पार्ट में नहीं लग रही है? ईस्टर्न पार्ट के अंदर। तो क्वेश्चन बेसिकली सिंपल ये पूछेगा कि हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट है वो दिल्ली से किस पार्ट के अंदर टच नहीं करते हैं। तो यहां पर आपको पता चलेगा कि ईस्टर्न पार्ट के अंदर हरियाणा का कोई भी डिस्ट्रिक्ट यहां पर नहीं है जो किसके साथ टच करता हो, बाउंड करता हो, दिल्ली के साथ, ठीक है। तो दिल्ली समझ में आ गया, उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखना, उत्तराखंड इज बाउंडेड बाई ओनली इन द यमुना, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यमुनानगर। तो ये सिर्फ यमुनानगर के साथ टच होता है और उत्तराखंड की बाउंड्री किसी के साथ शेयर नहीं होती है, किसी के साथ नहीं करती है। तो अकेला स्टेट है उत्तराखंड। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एग्जाम में अब तक तो खैर ये क्वेश्चन किसी में नहीं पूछा गया, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि सबसे मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है और सबसे मिनिमम बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हरियाणा की जो मैक्सिमम बाउंड्री है, मैक्सिमम बाउंड्री वो आपकी शेयर होगी किसके साथ? राजस्थान के साथ, 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर राजस्थान के साथ क्या करेगी? टच करेगी बाउंड्री किसकी? हरियाणा की। अब आप कहोगे सर मैक्सिमम का बता दिया, लीस्ट का भी बता दो। तो ध्यान रखना, लीस्ट बाउंड्री किसके साथ टच होगी? सबसे कम। अब यार आप लोग पता है क्या, एक दो जो बुक पढ़ते हो उस बुक के अंदर हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। लीस्ट बाउंड्री शेयर होगी किसके साथ? सबसे कम है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के साथ ओनली 11 किलोमीटर, सिर्फ 11 किलोमीटर वो शेयर होगी। कितने किलोमीटर तक? सिर्फ 11 किलोमीटर तक। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर सबसे ज्यादा मैक्सिमम, और लीस्ट बाउंड्री उत्तराखंड के साथ। ये हुआ, आगे बढ़ते हैं। पंचकुला जो है, पंचकुला की बाउंड्री सिर्फ शेयर होती है किसके साथ? चंडीगढ़ के साथ। किसके साथ? सिर्फ और सिर्फ किसके साथ? चंडीगढ़ के साथ। जैसे यमुनानगर की बाउंड्री सिर्फ उत्तराखंड के साथ शेयर होती है, दिल्ली की बाउंड्री चार के साथ शेयर होती है, और चंडीगढ़ की बाउंड्री सिर्फ शेयर होगी किसके साथ? पंचकुला के पास। किसके साथ? पंचकुला के पास। पंचकुला काफी फेमस जगह है, आप लोगों को पता है, एक हरियाणा का काफी फेमस हिल स्टेशन है, मोरनी हिल्स, मोरनी की पहाड़िया, माउंट करो, करो चोटी, जो कि हरियाणा की सबसे हाईएस्ट पीक है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो बेसिक चीजें हैं। तो ये जो चंडीगढ़ है इसकी बाउंड्री सिर्फ किसके साथ लग रही है? पंचकुला के साथ। और मैंने आप लोग को बताया कि रोहतक और चरखी दादरी, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट है, इसकी बाउंड्री किसी भी स्टेट के साथ शेयर नहीं होगी। तो मैंने आप आज की क्लास के अंदर आप लोगों को कंप्लीटली ये बताया कि हरियाणा का जो मैप है उसकी बाउंड्री किसके साथ टच हो रही है, लेटिट्यूड क्या है, लोंगिट्यूड क्या है, और इंडिया, और अगर हम लोग बात करें हरियाणा की तो हरियाणा किस लेटिट्यूड में लाई करता है और किस लोंगिट्यूड में लाई करता है। तो इन सारी चीजों को आप लोग शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लोग तैयार करना, और इसी तरीके से आप लोग जो है इन चीजों को रिवाइज करते हुए चलना, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं एक बार,
अब एक बार थोड़ा सा आप लोग है ना इस मैप को समझना है, एक दो चीजें और मैं आप लोग को इस मैप के अकॉर्डिंग बता देता हूं कि आपको थोड़ा सा ध्यान में आ जाए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहां पर है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे ऊपर, यहां पर आपको दिखाई देगा पंचकुला, पंचकुला से जैसे ही नीचे जाओगे अंबाला और एक साइड जाओगे आप यमुनानगर। तो तीन डिस्ट्रिक्ट हो गई, फर्स्ट वन इज पंचकुला, अंबाला एंड लास्ट वन इज यमुनानगर। आपको पता है पंचकुला पंचकूप पांच कुओं के नाम पर, अंबाला अंबिका अंबालिका उनके नाम पर है, यमुनानगर यमुना नदी, कुरुक्षेत्र जिसका एंशियंट नेम थानेश्वर या थानेश्वर था, कौरवों की नगरी ये हुआ कुरुक्षेत्र। तो पंचकुला अंबाला यमुनानगर से जस्ट नीचे की तरफ आ जाओ कुरुक्षेत्र। अब एक चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहां पर आप लोग को दिखाई देगा कि कुरुक्षेत्र का ये वाला जो हिस्सा है जो कैथल और अंबाला से मिलना चाहिए था ये बाउंड्री शेयर नहीं करेगा, ये बिल्कुल अलग रहेगा। उसके बाद इस साइड जो है वो यूपी के साथ बाउंड्री इसकी शेयर नहीं होगी। तो कुरुक्षेत्र आपको दिखाई देगा कि यहां पर एक तो ऐसी से दिखाई देगी आपको यहां पर, और इस साइड ये उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री टच नहीं कर रहा है। कुरुक्षेत्र से जैसे ही नीचे बढ़ोगे अब आपको तीन ऊपर की तरफ कर दो, फिर बीच में कुरुक्षेत्र को रख दो, दो साइड में कर दो, जैसे कैथल एंड आपका करनाल, करनाल कर्ण की नगरी, तो काफी फेमस वहां पर लेक भी है कर्ण लेक, कैथल और करनाल एक साइड। फिर उसके जस्ट नीचे आओ, फिर आपको क्या करना है जींद, जींद नहीं जींद, ठीक है जींद, फिर उसके एक साइड क्या करना है पानीपत। तो आपको पता है ये कैसे याद होगा, जब आपको है ना आप लोग है ना नॉर्थ टू साउथ जब आप मूव करोगे इसी तरीके से आप लोग ध्यान में रखते हुए कि पंचकुला अंबाला यमुनानगर, फिर आपका कुरुक्षेत्र आ गया, एक साइड कैथल करनाल कर दिया, फिर एक साइड आपने जींद और पानीपत कर दिया, पानीपत के जस्ट नीचे की तरफ आप आते हो तो क्या मिलेगा आपका सोनीपत। आपको ध्यान होगा कि जब महाभारत की स्टोरी आप लोग देखते हो तो वहां पर देखो जितनी भी चीजें मैं आप लोग को हरियाणा के अंदर एक्स वाई जेड बला एन बला चीजें बताऊंगा तो उसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में अराइज होंगे। आपको पता है कि महाभारत का युद्ध कहां पर लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो महाभारत की जो चीजें है वो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है क्योंकि आप अदर एग्जाम देखते हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हरियाणा एसएससी के एग्जाम और हरियाणा सिविल सर्विस के एग्जाम एक जैसे होंगे, लेकिन हाँ हरियाणा जीके कहीं ना कहीं आपको मिलती जुलती आपको वहां पर दिखाई देगी, ठीक है। तो वो चीजें भी अपने आप ऑटोमेटिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जींद पानीपत सोनीपत सोनप्रस्थ। आपको पता है पांच गांव थे जो किसने मांगे थे, पांडवों ने मांगे थे कौरवों से, और जब वो पांच गांव मांगे थे तो दुर्योधन ने एक जवाब दिया था क्या कि मैं एक सुई की नोक भर जमीन पांडवों को नहीं दूंगा, और वही रीजन बना के इसका कौरवों के हारने का, ठीक है। खैर वो तो आप लोग पढ़ोगे बाद में। तो ये चीजें आप लोग को यहां पर बेसिकली दिखाई देंगी, ठीक है। देखो भाई उसके बाद आपका नीचे की तरफ आप मूव करते हो तो एक तरफ आपका फतेहाबाद और एक तरफ आपका हो गया सिरसा, सिरसा और सेकेंड वन आपका फतेहाबाद। जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे हिसार, अब देखो हिसार यार आप लोग देखते हो ना तो हिसार के एक तरफ यहां पर आप देखते हो फतेहाबाद और जींद आपका, फिर नीचे की तरफ यहां पर आपका रोहतक वाला एरिया भिवानी वाला एरिया, सिरसा के साथ उसकी बाउंड्री टच नहीं करती है। तो एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है या बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो वो चीज भी आप लोग को माइंड में रखनी है। भिवानी, इसी भिवानी से अलग होकर क्या बना है चरखी दादरी, उसके बाद आपका रोहतक से नीचे झज्जर गुरुग्राम फरीदाबाद, फरीदाबाद से जस्ट सदर्न पार्ट में आओ एक तरफ आपका पलवल और एक तरफ आपका कौन सा रीजन हो गया मेवात का रीजन, फिर आप लोग एक तरफ बढ़ो आपका आएगा कौन सा रेवाड़ी और आपका कौन सा आएगा महेंद्रगढ़। और इसी के साथ ही कंप्लीटली मैप मैंने आप लोग को डिटेल के अंदर बता दिया है, आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर दिखाई है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूँ, आगे हम लोग अगले लेक्चर के अंदर जो फिजियोग्राफी ऑफ हरियाणा है उसको हम लोग समझेंगे। तो अगली क्लास के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग मिलते हैं जल्दी, थैंक यू सो मच।